जी चको फिर नज़ारे जी थोड़े सामने जी बारिश का मंजर है जी। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बारिशां इस टाइम जड़ियां हो रही हैं, वो कुछ नुकसानात भी बहुत सारे हो रहे हैं ते कुछ बच्चों के जड़े है बहुत ज़्यादा शुगल भी लग रहे हैं। थोड़े सामने है स्क्रीन पर चेक करो, इस तरह का जड़ा सारा माहौल है थोड़े सामने हैगा, यह तुम देख रहे होने इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। यह देखो बारिश का कितनी तबाही हुई भी बारिश नाल, जरा यह चेक करो जरा। लेकिन यह है कि यदि वजह तो थोड़ी जी बच्चों की थोड़ी जी रौनक लग गई हैगी, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम, लेकिन कम बहुत डिस्टर्ब होया पे। थानू पता है पाकिस्तान इस टाइम पूरे पाकिस्तान बारिशां बहुत अरूज पर है, इन रूज पर बारिश है कि तकरीबन महीना ही हो चलिया है कि बारिशां रुकण दा नाम नहीं लै रही। और इत्थे जिहड़ा इलाका है थानू दिखा रहे हैं ये मुल्तान के करीब इलाका हैगा खानेवाल, तो फिर भी मतलब कि बारिशों का इतना मतलब कम बारिशा हुई हैं जिहदी वजह तो इन्ना वो नहीं हैगा। लेकिन अगर तुसी दूसरी जानब देखो अपना सूबा बलूचिस्तान, तो बहुत ज़्यादा उधर बारिशा हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होया, तबाही हुई है। और नॉर्दर्न एरिया जिमें खैबर पख्तूनख्वा इधर तुसी जाते हो अपने किसी भी इलाके इधर घूमन फिरन जाते हो, जिमें कि मालम जब्बा हो गया, नरान कगान हो गया, दीर हो गया, इधर तो कश्मीर हो गया, इधर सारे सैलाबी सूरत हाल जी है वो कई जगह तो राबता जोड़ा है सड़क मतलब कि टुट फुट का शिकार हो गई, कोई भी उत्थे जोड़ा जानू हूँ रस्ते भी नहीं है, और इस वैदर के बिल्कुल उस सैड पर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि मौसम बहुत डेंजरस हैगा। किसी जगह तो है मौसम ठीक भी है, लेकिन मूमन ज़्यादातर जी इस मौसम के बहुत ज़्यादा मानसून दारिशा पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान किसी एक जगह की नहीं है। यह देखो जी हाल तुम देख रहे हो गलिया का, गलिया सड़क समझ लें कि दरिया बनी हुई हैं, दरिया तो जाने की जरूरत नहीं हैगी, इतने तू जरा दरिया नज़र आ रहे होना है। पूरी पूरी गलिया जड़िया बारिश की पानी तो इतनी स्पीड न आ रहे, इस तरह जिम्मे दरिया का पानी चल रहा होंगे इस तरह सारी गली के पानी तुम दिखा रहे हैं, इस तरह सारी गली के पानी पानी चल रहा जी। और बारिशा शदीद किस्म की बारिशा जी इतने इस टाइम जड़िया हो रही हैं पाकिस्तान पूरे दे पूरे पाकिस्तान के नहीं कि किसी एक इलाके मानसून बारिशा जड़िया ये शुरू हुई हैं, तो इन्होंने तो तबाही कर दी है जी, बहुत सारे लोगों का नुकसान होया, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होया। यह है कि पाकिस्तान में थोड़ी जी पानी की भी कमी का सामना है सी, लेकिन इन बारिशों ने वो कमी तो पूरी कर दी है, लेकिन नुकसानात जोड़े वो भी बहुत ज़्यादा जोड़े वो देखने आए है। खैर ज़्यादातर बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है, पंजाब के भी कुछ इलाके ऐसे है जिन्हें दरिया बहुत ज़्यादा रूज से इस टाइम आए हुए हैं, और मौसम उत्थे भी बहुत ज़्यादा जोड़ा है वो खराब हैगा। बारिश क्योंकि जो तुम पता बारिश इस तरह से सैलाबी सूरत हाल बन जाए तो एमरजेंसी राइन जी है डिकलेयर की जाती है, लेकिन सफाई का नाकस इंतजाम होने की वजह तो क्योंकि पापुलेशन जी है पाकिस्तान की बहुत गुंजान आबाद शहर है, सारे तकरीबन बहुत खास तौर पंजाब जड़ा है वह बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद जड़ा है वो अपना सूबा हैगा, उस बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह तो इतनी डिवेलपमेंट जी सही नहीं होंगी कि गलियां सड़क नाले प्रॉपर वह इंतजाम जड़ा है वह नहीं हो सकता। जिमें कराची बारिश पैंती है तो थोड़े सामने वह की हाल हो जाता है, सारा कराची इंज लगता जिमें पानी के डुब गया है, तो इस सूरत हाल है। दूसरे शहरों की भी यही सूरत हाल होंगी क्योंकि उन्होंने भी गवर्नमेंट की तरफों बहुत नाकस इंतजाम होंगे कि इतने खड्डे सड़क गलियां नालियां नहीं होंदिया, वो भी एक ऐसा ऐसे पिंड मैं देखे इतने कि जिड़े जिन्हों के तुसी इस टाइम कोई मरीज अगर बीमार हो जाए तो उतों तुसी अस्पताल ले जाना वो वास्ते आना है, देखो गली दे अगर कोई किसी घर वाले मसला बन जाता है तो तुसी देख रहे हो गली दे की सूरत हाल है, इस गली दे कोई मोटरसाइकिल कोई किवें मरीज़ नूं किवें लैके कोई बंदा जा सकता है।
गवर्नमेंट भी थोड़ी जी तवज्जो देनी चाहिए है कि जिहड़े महल्ले गलियां तुसी जिस तरह के डिवेलपमेंट हो रहे होंगे डिवेलपमेंट अथॉरिटी कर की रही होंगी है, सुती पई होंगी है, होर तो उसका कोई काम नहीं होंगे। जिवें लोग जिथे बनाई जाते हैं उत्थे बनाई जाते हैं, ना गलियां ना नाले ना सीवरेज ना कोई चीज़ का इंतजाम जिहड़ा है वो देखने को नहीं मिलता। और बात जो थोड़ी जी भी इस तरह की मतलब कंटिन्यू बारिशों का कोई मौसम बन जाता है तो वो वजह तो बहुत ज़्यादा लोग जोड़े है वो डिस्टर्ब होंगे है। और उन्हां दी परेशानी का आलम तुसी अपनी अखां नाल स्क्रीन पर भी देख रहे होगे कि मैं जो तुहानू कह रहा कि एक मरीज़ अगर इस टाइम बीमार हो जाए तो उन्हूं घर वाले इत्थों लै के किवें जाणगे, ये सोचण वाली गल है। तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट नूं भी कि ये जी गलियां और विच देखो पानी दे विच खंभे खड़े है, खुदा ना खास्ता करंट आ जाता है, बिजली आ जाती है और शार्टिंग का खतरा है, उत्तों बिजली भी चल रही होंगी है। तो यह देखो अल्लाह तवक्कल ते जी पाकिस्तान चल रहा है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। साड़ी दुआ है कि अल्लाह पाक साढ़े पाकिस्तान नूं कामयाबियां दे और अच्छी मतलब कि सफाई का इंतजाम होए।